बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेलीनॉर पे किस तरह से हम जो फ्री होस्ट हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ ऐसे होस्ट शेयर कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप कम से कम 130 या 150 MB की फ़ाइल ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह ये करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे आता हूँ और मैं आपको बताऊँ कि कौन से वो फ्री होस्ट है जिसकी मदद से आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। नंबर एक पे तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो दोस्त है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब उनमें से मैं आपको एक बताऊँ कि नंबर एक पे आप जो ये वाला होस्ट है, ये होस्ट जो है गूगल एनालिटिक्स .com। ये होस्ट जो है इसकी जो डेटा है वो सिर्फ लिमिट 15 MB की है। और इसके अलावा जो ये वाला होस्ट है फ्री डॉट facebook.com/rdr। नंबर तीन, इसकी जो लिमिट है वो है 30 MB। ओके, उसके बाद दूसरा जो है वो होस्ट m.telinor.com.pk/, इसकी जो लिमिट है 50 MB। और दूसरी जो है वो है smart.pocket.tv.com.pk/rdr, इसकी लिमिट है 50 MB। तो ये 50 MB ये वाला, ये 100 MB और ये 130 और 145, यानी कि आप इजीली 150 MB टेलीनॉर की हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जो जी ये होस्ट जो है इसकी जो इस होस्ट को आप 24 घंटे में 50 MB इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपके 50 MB ख़त्म हो गए तो फिर दोबारा 24 घंटे के बाद आपको दोबारा से 50 MB इस होस्ट से फराम किए जाएंगे। ये सभी होस्ट आप ये वाला जो है जो यूर फ्रीडम में भी चला सकते हैं, और ये वाला होस्ट जो है जो ओपेरा मिनी ब्राउज़र या यूसी हैंडलर की सेटिंग में भी आप कर सकते हैं। और ये वाला भी यूसी हैंडलर या ओपेरा मिनी में, ये तो यूर फ्रीडम पे जो है बग़ैर किसी प्रॉक्सी के चल जाता है, लेकिन ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों इस प्रॉक्सी पे वर्क करते हैं। तो मैं प्रॉक्सी भी आपको दे दूं, 172.18.19.11 और पोर्ट इसका जो है 80 80। ठीक है, पार्ट इसका ये आपने देना है, ये जो ऊपर जो मैंने तीन दिए थे और ये और ये तीनों होस्ट जो है इनके लिए ये प्रॉक्सी इस्तेमाल करें आप। ये प्रॉक्सी आप ज़रूर लगाएं, उसके बाद ये तीनों होस्ट चलेंगे। लेकिन ये वाला जो होस्ट है इसमें आप फ्री में जो बग़ैर किसी प्रॉक्सी वगैरह के आप भी चला सकते हैं। और दूसरी में आपको योर फ्रीडम की सेटिंग भी दे दूं, उसकी मदद से भी आप जो है इजीली कर सकते हैं। तो योर फ्रीडम को मैं ओपन करता हूं, ये अभी जो मेरे पास योर फ्रीडम ओपन है और इसमें आप ये सेटिंग देख रहे हैं,
नंबर एक पे जो कनेक्शन जो है मोड है डीएनएस देना है, और फ्रीडम सर्वर जो है आपने देना है ems.ems03.yourfreedom.de। कनेक्शन मोड आपने देना है। कनेक्शन मोड DNS, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रीडम सर्वर, फ्रीडम सर्वर ये आपने देना है ems03.yourfreedom.de। ओके, उसके बाद आपने ये देना है, और जो आपने कोई भी कंट्री वगैरह सिलेक्ट करनी है कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद कनेक्शन में, और ईएमएस देना है। उसके बाद जो ट्विक्स जो है आपने कोई भी जो लगा देनी है, चाइना लगाएं या फिर आप जो भी लगाना चाहें, उसमें चाइना लगाना चाहें, अरब इमारात लगाना चाहें, मोबलिंग लगाना चाहें, इंडिया लगाना चाहे, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे जो इंडोनेशियन एलेक्सियल वगैरह, वो भी आप सब इसमें लगा सकते हैं। तो ये कुछ फ्री के जो होस्ट वगैरह थे, और योर फ्रीडम की ये वाला जो होस्ट मैंने दिया है इसकी अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी एमबी आप चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो सिर्फ, इसकी स्पीड सिर्फ 30 से 40 kbps है। इसकी स्पीड 40 से 45 45 से 50 पर सेकंड की स्पीड, kbps स्पीड है, उससे ज़्यादा नहीं जाती। योर फ्रीडम के अगर आपके पास कोई पैकेज सिलेक्ट है, अगर आपने कोई पैकेज ख़रीदा हुआ है मंथ का वगैरह, तो आप उसकी मदद से जो स्पीड को इनक्रीस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्री इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।